बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th इंग्लिश क्लास। होप सो आप सब कैरियर से होंगे। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 7 कंप्लीट किया था, आज हम यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जो कि एक पोएम है, पीस। ठीक है, अपने बुक ओपन करें। मेरे पास है पेज नंबर 92। ठीक है, बेसिकली ये पोएम जो है ये डॉक्टर हार्टमान ने लिखी है। ठीक है, और इस पोएम में जो बेसिक थीम है, ठीक है, वो जो हमारे पास नेचुरल सीनरीज हैं, ठीक है, जो नेचुरल फिनोमेनास हैं, उनको डिस्कस करके इसने प्रॉपर वे में एक आपको आइडिया दिया है। ठीक है, और डिफरेंट थीम्स से इसमें इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड इज नाउ अ रोलिंग स्मैशिंग मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, ब्रेकिंग ऑल मेंस वर्क फ्रॉम द वैलीज, फ्रॉम द वेल्स एंड हेंस मेंशनिंग ब्रोकन फ्लाइंग। ठीक है, The wind is now हवा है अब अरोरिंग स्मैशिंग, एक धाड़ती हुई उठा कर पटकती हुई यानी तबाह करती हुई, मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन तबाही फैलाने वाली बला, रैकिंग ऑल मेंस वर्क तमाम इंसान के कामों को तबाह करते हुए, फ्रॉम द वैलीज वादियों से, फ्रॉम द वेल्स सब्जाजारों से, एंड सेंस देम स्पिनिंग और उन्हें घुमा कर फेंक देती है, ब्रोकन फ्लाइंग टूट कर उड़ता हो। ठीक है, अब इसमें जो विंड की वजह से डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, जो तबाही फैलती है, वो यहाँ पे बयान की गई है। ठीक है, यानी नेचर जो है ये हमेशा इसकी कमांड होती है इंसान के जितने भी अमल होते हैं उनके। ठीक है, यानी अब देखिए इंसान जो है अपने तरफ से प्रॉपर वे में एक काम कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन उसका अगर फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला की तरफ से उस पर कोई ना कोई मुसीबत आनी है, ठीक है, तो फिर बहुत सारी वजूहत जो है वो खुद बहुत पैदा हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब इन्होंने विंड के एग्जाम्पल दिए। स्टैंजा 2 देखिए, बट ऑल ऑफ दैट इज नॉट इट्स कोर, इट्स सेंटर, इट्स ट्रुथ, इटर्नल स्टिलनेस, ब्राइट ब्लू स्काइज एंड ऑल हियर आर जेंटल विस्पर्स फॉर अवे एंड अनइम्पोर्टेंट। ठीक है, बट ऑल ऑफ दैट इज, मगर वो सब कुछ नॉट इट्स कोर, सच्चाई नहीं है, इट्स सेंटर, इट्स ट्रुथ, सच्चाई उसके अंदर है, इटर्नल स्टिलनेस हमेशा रहने वाले सुकून की तरह यानी खामोशी सुकून की तरह, ब्राइट ब्लू स्काइज रोशन नील को आसमान यानी रोशन नीले रंग का आसमान, एंड ऑल टू हेयर और वो सब कुछ जो आप सुनते हैं आर जेंटल विस्पर्स महज हल्की सी सरगोशियाँ हैं, फॉर अवे हकीकत से बहुत दूर एंड अनइम्पोर्टेंट और गैर अहम। ठीक है, अब हम इसकी समरी राइट करेंगे, तो आपने अपनी नोटबुक का पेज रेडी करना है, हेडिंग देनी है, यूनिट का नेम, यूनिट का नंबर, ये आप इस तरह अपनी कॉपी का पेज रेडी करेंगे, डेट एंड डे मेंशन करेंगे, डे मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद यूनिट का नंबर, ठीक है, यूनिट का नेम लिखेंगे, समरी हेडिंग देंगे। डॉक्टर सिल्विया हार्टमैन हैज स्पेशल टेस्ट फॉर साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअल साइंसेस, शी यूजेस इमेजरी इन हर पोएट्री। In this poem, she also uses imagery and describes two opposite aspects of wind. She says that wind in the form of storm smashes everything. In its rage, it destroys trees, fields, and buildings, but when wind is gentle and cool, it gives life to birds and humans. We have experienced the both aspects of wind. Though wind storm brings disasters, but we have experienced it to enjoy peace. There lies peace in depth of this disaster. Next paragraph, next line pe likhte hain aapne. In this poem, the poetess conveys an indirect message. She says that appearances are deceptive,
यानी जो कुछ जाहिर है, जो कुछ नुमाया है वो एक धोखा है, ठीक है। द रियल ट्रूथ लाइज फार अवे फ्रॉम दीज नेचुरल फिनोमेना लाइक विंड, रेन, लाइट एटसेट्रा। इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ वी हैव टू फेस मेनी चैलेंजेस, problems, hurdles and difficulties. All the hardships help us to become courageous, bold and successful men. These hardships guide us to the real truth and the eternal peace. It is up to us whether we learn good lessons from nature or not. ठीक है बच्चों, थीम आपने इसमें और भी क्लियर आपको बता दी गई है, ठीक है, कि कौन कौन से थीम है, कि इंसान जो है वो बेसिकली खुद जितनी भी एफर्ट कर ले, ठीक है, लेकिन ये है कि आपको हमेशा जो भी चीज़ हो आपको उसकी जो पॉजिटिविटी होती है, ठीक है, वो जब तक आप उसकी नेगेटिविटी का एक्सपीरियंस नहीं करते आपको उस चीज़ की पॉजिटिविटी की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो ट्रेड्स होती हैं, वो समझ में नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ये बताया जा रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे विन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग की फॉर्म में, ठीक है, सब कुछ तबाह करती है, तो वहाँ वही जो विन है, ठीक है, वही जो हवा है वो बहुत सी चीज़ों को, ठीक है, बहुत से जानदारों को जिंदगी भी देती है, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि जब आप एक चीज़ की नेगेटिविटी को देख रहे थे तो उस चीज़ की पॉजिटिविटी को अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी होती है, ठीक है। होप्स आपको ये क्लियर हो गए, आपने समरी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अपना प्यार